हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड रिचा नाथ। हम 65th बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल की क्लास कर रहे हैं। गुप्त वंश चल रहा है हमारा, और गुप्त साम्राज्य का पहला पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हम गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में जान चुके हैं। आज गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, गुप्त साम्राज्य का समाज कैसा था, गुप्त समाज की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। हमारा ये जो वीडियो है वो पीटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने बुलेट्स पॉइंट्स दिए हैं आपको, जिससे आप मेंस की तैयारी, मेंस के आंसर राइटिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल IESPSC सॉल्यूशन सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, आप PDF के लिए पूछते हैं, अगर आपको हमारा PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हमारा सारा PDF अपलोड होता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की तरफ और जानते हैं गुप्त साम्राज्य की कुछ अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो जो गुप्त साम्राज्य था, उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्यतः कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य से जुड़ी हुई थी। तो कृषि के बारे में सर्वप्रथम जानते हैं। गुप्त काल में कृषि की उन्नति पर ध्यान दिया गया था। गुप्तकालीन अभिलेखों में कई प्रकार की भूमि की चर्चा की गई है, जैसे कि क्षेत्र, वास्तु, खिल, अपरहत, चारागाह। अभिलेखों के अनुसार खेती ना किए जाने वाली भूमि को खेती के योग्य बनाए जाने के लिए भी कई कदम उठाए जाते थे। भूमि माप के लिए निर्वातन प्रणाली का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बंगाल से प्राप्त अभिलेखों में भूमि को मापने के लिए कुल आवास और द्रोणवाद पद्धति के प्रयोग की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। आगे हम देखें तो अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों के बारे में हमें पता चलता है। बरामिहिर की विह संहिता में वर्षा की संभावना और वर्षा के अभाव के प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया है। वृह संहिता में 3 प्रकार के फसलों की चर्चा मिलती है, श्रावण, वसंत, चैत्र यानी वैसाख में बोई जाने वाली फसलें। थोड़ा बहुत जो सिंचाई का व्यवस्था था वो राजा की ओर से किया जाता था, और इस व्यवस्था का जो प्रमाण है वह स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। शासक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में, तो उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा, तो आप उनके नामों से परिचित होंगे। पशुपालन की तरफ चलते हैं। तो पशुपालन जो है जीविका का अन्य महत्वपूर्ण साधन था। अमरकोश में पालतू पशु के रूप में घोड़े, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, गधा, कुत्ता, बिल्ली आदि को नामांकित किया गया है। बैल सामान ढोने और हल चलाने के काम आता था, और कामंदक के अगर माने तो कामंदक के अनुसार गौपालन जो है वो वैश्यों का पेशा था। दस्तकारी और उत्पादन और व्यापार की तरफ अगर हम रुक करें तो जो गुप्तकालीन दस्तकारी है वो शक और कुषाण काल के दस्तकारी की अपेक्षा कुछ कम दिखाई देता है, थोड़ा निम्न कैटेगरी का दिखाई देता है, यानी उसकी जो वैरायटी थी, जो भी वैरायटीज थी उसमें पतन दिखाई देता है। यानी गुप्त काल की जो दस्तकारी थी वो शक और कुषाण काल की दस्तकारी की अपेक्षा कमज़ोर थी। गुप्त काल कालीन लोगों को तरह तरह के खनिज पदार्थों का ज्ञान हो चुका था, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि। आगे चलते हैं तो अगर लोहे की बात करें तो महरौली का जो लौह स्तंभ है वह तत्कालीन लोहे का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। बृहद संहिता में हीरा, मोती, मणि, शंख का कई बार उल्लेख किया गया है। वस्त्र उद्योग के बारे में अगर हम जानते हैं गुप्तकाल के वस्त्र उद्योग के बारे में, तो ये जो है वो विकसित अवस्था में थी। अमरकोश में कताई, बुनाई, हथकरघा, धागे इत्यादि का उल्लेख मिलता है। कालिदास के नाटकों में भी महीन कपड़ों का उल्लेख मिलता है, यानी कि उस समय जो कपड़े बनाए जाते थे उनमें उन्नति जारी थी और वो उन्नत अवस्था में पाई भी जाती थी। लोगों को सिलाई के बारे में पता था, वो सिलाई से परिचित थे।
ये कह सकते हैं कि कपड़ों के विभिन्न वैरायटीज़ देखने को मिलते होंगे। गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था है उसमें गिरावट आई थी, इसके प्रमाण कुछ देखे जा सकते हैं। पर्वती गुप्त मुद्राओं का जो वजन है वो बढ़ा था, लेकिन उसमें सोने की मात्रा में कमी आई थी। अगर अर्थव्यवस्था में गिरावट नहीं आती तो सोने की मात्रा में भी गिरावट नहीं आती वजन बढ़ने के बावजूद। नॉर्मली ये होता है कि अगर वजन बढ़ रहा है तो सोने की मात्रा भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वजन बढ़ रहा था पर सोने की मात्रा घट रही थी। इसका मतलब जो है कि अर्थव्यवस्था जो है वो नीचे की तरफ जा रही थी। चांदी के सिक्के भी कम प्रचलन में थे। ये तो ठीक है कि सोने में भी कमी आ रही थी, चांदी में भी कमी आ रही थी, लेकिन एक और चीज़ थी कि तांबे के सिक्के बनाए जाते थे और उस पे चांदी की परत चढ़ाई जाती थी। कुषाण युग की तुलना में गुप्त युग में वाणिज्य व्यापार में पतन के पर्याप्त चिन्ह प्राप्त होते हैं। फाहियान ने लिखा है कि साधारण जनता के बीच व्यापार का माध्यम विनिमय था, जिसमें वस्त्रों का आदान प्रदान किया जाता था या कौड़ियों के माध्यम से विनिमय होता था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण अगर देखें तो इसके कुछ बुलेट पॉइंट्स बनते हैं, मुख्यतः तीन। पहला जो है, फारस वासियों ने रेशम के व्यापार में एकाधिकार प्राप्त कर लिया था जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही थी। रोमन साम्राज्य से शत्रुता चल रही थी जिससे भारतीय व्यापार प्रभावित हुआ। सामंतवाद का प्रभाव बढ़ने लगा जिसके कारण गरीब मजदूरों को बेगार और अर्धदास की तरह काम करना पड़ा। बेगार तो वो होता है जो काम तो करता 100% लेकिन उसको इनकम नहीं होती, उसको पे नहीं किया जाता। लेकिन अर्धदास जो है कि काम किया जाता है लेकिन पूरा पूरा काम होने के बाद भी उसको 50% पेमेंट प्राप्त होता है, तो वो हो गया अर्धदास। गुप्तकालीन समाज की बात अगर करें तो गुप्तकालीन समाज जो है वो परंपरागत चार भागों में विभक्त था, और उन चार भागों को आप जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इनका जो वर्ग था, जो वर्ण विभक्त थे, उनका आधार कर्म नहीं था बल्कि जन्म था। यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र, कर्म के आधार पर आधारित नहीं था। ब्राह्मण का कार्य क्या था? अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, दान लेना और दान देना। क्षत्रिय क्या कार्य करते थे? राष्ट्रों की सुरक्षा करना। वैश्य करते थे व्यापार और वाणिज्य, जबकि शूद्र का कार्य था चारों वर्णों की सेवा करना। न्याय व्यवस्था में वर्णों की स्थिति के अनुसार भेदभाव देखा जा सकता था। उस समय जाति व्यवस्था परिवर्ती काल की अपेक्षा अधिक जटिल नहीं थी। अब जो शूद्र हैं वो रामायण, महाभारत और पुराणों को सुनने के लिए स्वतंत्र थे। स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकारों के विषय में याज्ञवल्क्य स्मृति में अनेक मान्यता दी गई है, जिसमें पत्नी को पति की संपत्ति का अधिकार बताया गया है। स्मृति ग्रंथों में समाज में दास प्रथा का प्रचलन भी प्रमाण मिलते हैं, समाज में वेश्याओं के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, और एरन अभिलेख में भानुगुप्त के मित्र गोपराज की पत्नी के सती हो जाने का भी उल्लेख मिलता है। यानी यहाँ पर सती प्रथा भी था, यहाँ पर वेश्यावृत्ति भी थी, यहाँ पर दास प्रथा भी था, और यहाँ पर बेगार या फिर अर्धदास जिसको आप कहते हैं, अर्धदास का भी प्रभाव देखने को मिलता था। साथ ही महिलाओं को अपने पति के संपत्ति पे भी अधिकार मिलता था। तो ये सब इसके बुलेट्स पॉइंट बन जाएंगे जो कि आपके मेंस के आंसर राइटिंग में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गुप्तकालीन धार्मिक जीवन के बारे में अगर देखें तो गुप्त शासन काल में ब्राह्मण हिंदू धर्म की उन्नति देखी जा सकती थी। इनकी उन्नति के लिए ही गुप्त शासन काल प्रसिद्ध भी है। फाहियान के अनुसार बौद्ध धर्म उन्नत अवस्था में थी लेकिन मौर्य काल के समान नहीं। बौद्ध धर्म जो है वो गुप्त काल में भी उन्नत अवस्था में थी लेकिन मौर्य काल में जिस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता था उस
अवस्था में नहीं थी, उसे थोड़े निम्न अवस्था में थी। गुप्त काल जो है वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उनकी जो उपाधि थी वो परम भागवत हुआ करती थी। गुप्तकालीन शासक पूर्णतः धर्म सहिष्णु थे, इसलिए इस काल में विभिन्न धर्मों और संप्रदाय के फलने फूलने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं, गुप्तकालीन जनता जो है वह अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र थी और इसी काल में मंदिर निर्माण अस्तित्व में आया। इस काल में विदेशों में भी हिंदू धर्म और उसकी क्रियाओं को अपनाने जाने लगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल देखें तो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इन सब जगहों में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा था। गुप्तकालीन साहित्य की बात करते हैं तो इस काल में संस्कृत भाषा जो है उसकी उन्नति को बल मिलता है और इसे राजभाषा के रूप में दर्ज भी किया जाता है। प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय एक बड़ा विद्वान और साहित्य अनुरागी था और इसके राजसभा में नवरत्नों की का प्रमाण मिलता है। इसका जो राजसभा है वो नवरत्नों से अलंकृत था। इस काल में लौकिक साहित्य का विकास हुआ था। जैसे कि देखें कि भास की जो 13 नाटक है वह इसी काल में थी। शूद्रक की नाटक मृच्छकटिकम सर्वोत्त कोटि का माना जाता है। इसके अलावा कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व के उत्कृष्ट साहित्यों में से एक है और यह प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ था। गुप्तकालीन नाटकों में शूद्र और स्त्री जो है वो प्राकृत भाषा बोलते थे जबकि सभ्यजन संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। धार्मिक साहित्य की बात करें तो धार्मिक साहित्य की रचना भी प्रगति पे थी। रामायण और महाभारत 4वीं सदी में आकर लगभग पूरे हो गए थे और इसी काल में बहुत सारी स्मृतियाँ लिखी गई हैं। इस काल में पाणिनि और पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ। अमर सिंह ने अमरकोश का संकलन किया। भारवी ने 18 सर्गों का किरातुर्जुनीयम महाकाव्य लिखा। इस काल में जटिल अलंकारित शैली का विकास हुआ। इस काल में गद्य की अपेक्षा पद्य पर अधिक बल दिया गया और इस काल में पहली बार धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बहुत सी रचनाएं पाई जाती हैं। तो जो गुप्तकालीन साहित्य है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, खासकर पीटी के लिए ये सारी डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें और पीटी के लिए पुस्तक और लेखक मेंस जब आप लिखेंगे तो इन सारी चीज़ों के बुलेट्स पॉइंट बना के लिखने पड़ेंगे आपको। और पीटी के लिए आप ये पुस्तक और लेखक देख लें, एक एक करके बात करते हैं। मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक की पुस्तक है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम विशाखदत्त की पुस्तक है। वाशवदता सुबंधु की पुस्तक है, जबकि पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है। आप सब ने बचपन में शायद पंचतंत्र पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है। उसमें बहुत ही प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं छोटी छोटी जो आपको जीवन जीने का गुर सिखाती हैं। आगे बात करते हैं, महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखी है। नीतिसार कामंतक की पुस्तक है। कामसूत्र वात्सायन की पुस्तक है। स्वप्न वासवदता भास की पुस्तक है। निघंटु धन्वंतरी की पुस्तक है। गणित सार ये सार है, गणित सार श्रीधर की पुस्तक है। गाथा सप्तसी हाल की पुस्तक है और मालती माधव भवभूति की पुस्तक है। एक अन्य हैं जो कालिदास, उनको सभी जानते हैं, उनकी पुस्तकों की लिस्ट एक बार देख लेते हैं। कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, ऋतु संहार, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोसरी सीए, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारी पुस्तकें जो हैं कालिदास ने रचित की हैं। गुप्तकालीन कला और स्थापत्य के बात करें तो इसका जो विकास है वो बहुत ही अभूतपूर्व रूप से देखा जा सकता है। कला के विभिन्न विधाओं का सम्यक विकास मिलता है गुप्तकाल में। एक एक करके देखते हैं, पहले हम देखेंगे वास्तुकला, फिर मूर्तिकला, फिर मृण मूर्तिकला और देन चित्रकला। सारे पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान से देखेंगे। वास्तुकला को 3 रूप में देखा जा सकता है, एक तो मंदिर, दूसरा
जो है हमारा वो है चैत्य विहारी वगैरह, और फिर गुहा। ये चैत्य जो है ये स्तूप वगैरह, ठीक है, और ये गुहा स्थापत्य। तो मंदिर जो है आप सब जानते हैं कि गुप्त काल में ही मंदिर का निर्माण शुरू किया गया था। और इस काल की अगर महत्वपूर्ण मंदिरों की बात करें तो वो निम्नलिखित है, उसको एक एक करके देखते हैं। उदयगिरी का विष्णु मंदिर, एरन का वरा और विष्णु मंदिर, भूमरा का विष्णु मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये सारे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। मंदिर की अगर विशेषता की बात की जाए तो सामान्यतः इसके चबूतरे होते थे वो ऊंचे होते थे, और यहाँ चढ़ने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियों का निर्माण किया जाता था। जो छत हुआ करती थी वो शिखरनुमा हुआ करती थी, और दीवारों पर मूर्तियों का अलंकरण देखने को मिलता है। गर्भगृह का निर्माण किया जाता था जिसमें मूर्तियाँ रखी जाती थी या मूर्ति रखा जाता था। गर्भगृह के चारों ओर आच्छादित प्रदक्षिणा मार्ग हुआ करता था जिसमें परिक्रमा करती थी जो भी वहाँ पूजा करते थे महिलाएं पुरुष, वो गर्भगृह की परिक्रमा क्या करते थे, वो प्रदक्षिणा मार्ग था। मंदिर के वर्गाकार स्तंभों के शीर्ष भाग पर चार सिंहों की मूर्ति एक दूसरे के पीठ सटाए बनाई गई है। गुप्त काल के अधिकांश मंदिर पाषाण निर्मित है, लेकिन भीतरगांव और सिरपुर का जो मंदिर है वो उनका निर्माण ईंटों द्वारा किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। स्तूप की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण स्तूप निम्नलिखित दिए गए हैं, एक एक करके देखते हैं कौन से हैं। सारनाथ का स्तूप, राजगिरी का जरासंध की बैठक, और सिंध में स्थित मीरपुर खास का स्तूप जो है वो गुप्त काल का महत्वपूर्ण स्तूप माना जाता है। गुहा स्थापत्य की बात करें तो गुहा स्थापत्य दो प्रकार की थी, एक तो ब्राह्मण से संबंधित थी और दूसरा बौद्ध से संबंधित थी। महत्वपूर्ण गुहा की बात करें तो अजंता और बाघ पहाड़ी में जो गुफाएं खोदी गई हैं वो इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं जिनमें से चार चैत्य हैं और बाकी सब विहार हैं। इसका निर्माण जो है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से सातवीं शताब्दी तक किया गया है। अजंता की 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन मानी जाती हैं। 16 और 17 जो है वो विहार है, जबकि 19वां जो है वो चाहते हैं। 16वीं और 17वीं गुफा का निर्माण वकाटक नरेश हरिसेन के एक मंत्री सामंत के द्वारा करवाया गया था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी हमारी जनता से अजंता। और बाघ के बारे में जाने तो बाघ पहाड़ी में 9 गुफाएं मिली हैं जिनमें से कुछ गुप्त कालीन भी हैं। बाघ गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ गुफा अपनी वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। मूर्तिकला के बारे में अगर हम जाने तो गुप्त काल में विष्णु, शिव, सूर्य, कुबेर, गणेश, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा आदि विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ हिंदू देवी देवता के साथ बुद्ध और बौद्धिसत्व और जैन तीर्थकरों की मूर्ति का निर्माण हुआ है इस काल में। और इस काल में मूर्तियों में दैहिक सौंदर्यता के स्थान पर आध्यात्मिक सौंदर्य को प्रधान दिया गया, अर्थात कि वो मूर्ति देखने में कैसी है, बहुत सुंदर है या नहीं है, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन ध्यान किस बात पे दिया गया कि उस मूर्ति से हमें किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसका अध्यात्म क्या है, इन पर ज़्यादा फोकस किया गया था। आगे देखते हैं बुद्ध काल की मूर्ति को तीन भाग में बांट के हम देखेंगे। पहला तो बौद्ध मूर्ति, फिर देन वैष्णव मूर्तियाँ, फिर देन शैव मूर्तियाँ देखेंगे। तो पहला है हमारा बौद्ध मूर्तियाँ। तो गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियों में तीन मूर्तियाँ सर्वोत्कृष्ट हैं। पहला जो है सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, ये अत्यंत सुंदर मानी जाती है, अत्यधिक सुंदर, सबसे सुंदर सारनाथ की मूर्ति ही मानी जाती है। देन मथुरा की बुद्ध मूर्ति और सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति। गुप्तकालीन बुद्ध मूर्तियाँ जो हैं वो अभय, व्रत, ध्यान, भूमि स्पर्श, धर्मचक्र प्रवर्तन आदि मुद्राओं में प्राप्त होती है। इनको ये सारे इम्पॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान में रखिएगा।
वैष्णो मूर्तियों के बारे में अगर जाने तो भगवान विष्णु की बहुत संख्यक मूर्तियाँ मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जो गुप्तकालीन शासक थे वो वैष्णव मतानुयायी थे, तो ऑब्वियस सा बात है कि वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। भगवान विष्णु की पूजा करेंगी तो ज़्यादातर मूर्तियाँ जो है वो भगवान विष्णु की ही प्राप्त होगी। वराह अवतार में मूर्तियों का जो निर्माण कराया गया वो उदयगिरि से विशाल वराह प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। शैव मूर्ति की अगर बात करें तो गुप्तकालीन शैव मूर्तियाँ लिंग और मानवीय दोनों रूप में पाई जाती हैं। एक मुखी शिव लिंग जो है वो भूमरा के शिव मंदिर में स्थापित है। तो ये सब जो क्यू पॉइंट है ना, भूमरा का शिव मंदिर वो एक मुखी था, ये सब आपको याद रखना है क्योंकि ये पीटी के रूप में इम्पॉर्टेंट है और मेंस में तो अगर आप ये स्थापत्य में लिखेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कला स्थापत्य में। अर्धनारीश्वर की दो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। विदिशा से शिव के हरियर स्वरूप की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। उदयगिरि गुफा से महिषासुर का वध करती दुर्गा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। मृण मूर्ति कला की अगर बात करें तो ये क्या है, कुंभकारों की कला है। ये कुंभकार जो है वो मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाया करते थे जिसमें चिकनाहट और सुडोलता पाई जाती थी और इन मूर्तियों को पकाया भी जाता था। मृण मूर्तियाँ जो है वो पहाड़पुर, राजघाट, भीटा, कौसाम्बी, मथुरा आदि स्थानों से प्राप्त होता है। आगे देखिए चित्रकला के बारे में अगर हम बात करें तो चित्रकला जो है वो अत्यधिक विकसित अवस्था में थी। और अगर सर्वोत्तम उदाहरण की बात करें तो पुनः हम अजंता और बाघ गुफाओं में जो चित्र पाए जाते हैं उनकी बात करेंगे। अजंता की गुफाओं के चित्र में केवल जो 6 गुफाओं का चित्र है वो बचे हुए हैं। और वो 6 गुफाएं कौन कौन से हैं, गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16 और 17। आपको पता है कि 16, 17 और 19 जो है वो गुप्तकालीन है। तो गुफा 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है, जबकि गुफा 17 में जो है बुद्ध के जन्म, जीवन, महा भी निष्क्रमण और परिनिर्माण की घटनाओं से संबंधित चित्र जो है वो गुफा 17 में पाए जाते हैं। बाघ की जो 4थी और 5वीं गुफा है इन दोनों को संयुक्त रूप से रंग महल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो गुप्त वंश का अर्थव्यवस्था और धार्मिक और जो उसकी कला स्थापत्य थी वो सब हमने आगे देखा। अब नेक्स्ट हम लोग परवर्ती गुप्त वंश को देख लेंगे और उसके अलावा जो भी बिहार में शासक रहे हैं, जो भी वंश रहे हैं उनको एक नज़र देख लेंगे और MCQs करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल द एग्ज़ाम्स। Thank you so much.